जगदीश सिंधु भी आज एक राहुल गांधी की रैली में रहे, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस रैली की सफलता के क्या कारण तलाशे हैं। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए जगदीप जी, और आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी जी देखिए मुकेश जी, जहां तक आज की रैली की सफलता की बात है, आज यहाँ जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है पूरे हरियाणा में, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, उनकी नीतियों के प्रति जो लोगों का आक्रोश है, उस वजह से बना हुआ है। और उसके चलते जिस प्रकार से राहुल गांधी का आज हरियाणा में ये रैली हुई, आगमन हुआ बरवाला के इस क्षेत्र में, लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, लोगों में एक जोश था राहुल गांधी को देखने का और सुनने का। परेशानियां लोगों की पहले से ही हैं, इनमें कोई दोराय नहीं, ये बार बार अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग घटनाओं में सामने आ चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा को किस प्रकार देखना चाहते थे, शायद लोग ये सुनना चाहते थे, इसलिए इतनी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। और मैंने देखा कि जब राहुल गांधी स्टेज पे आए तो एक अलग माहौल, एक अलग उत्साह लोगों में रहा। उन्होंने जब इस तरह के जो मुद्दे उठाए, जो बातें कही, लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो आने वाले वायदे हैं उनको जब उन्होंने स्टेज से गिनाना शुरू किया, तब लोगों ने दोनों हाथ उठा के उनका एक अलग से समर्थन किया, जो पहले कभी हम जब 2014 था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये रैलियां करते थे तो वैसे लोगों में देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आज की रैली को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ गई है, उनकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है, और राहुल गांधी को एक गंभीर नेता के रूप में हरियाणा में देखा जाने लगा है। हालांकि उस मंच पे जो प्रत्याशी थे वो सभी भी वहां मौजूद थे, उनके प्रति भी लोगों का रुझान था, लेकिन राहुल गांधी के प्रति एक विशेष रुझान रहा। और रैली के इतनी गर्मी और इतने समय में होते हुए भी रैली में जो हुजूम था लोगों का, वो अप्रत्याशित रूप से कहा जा सकता है कि एक बहुत सफल रैली की तरह देखा जाए उसको, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये जो इलाका है जाट बहुल, किसान बहुल इलाका, और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा किसानों से बाहर हमने बात की, लोग ग्रामीण परिवेश से आए हुए थे, उनका भी ये कहना था कि जिस प्रकार की नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं उससे वो परेशान है। और जब मंच से राहुल गांधी ने किसानों के लिए कहा कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को दिया है, मैं वादा करता हूं कि इतना ही पैसा मैं किसानों को भी दूंगा, गरीबों में बांटूंगा, तो लोगों में एक बहुत जोर का वहां जोश दिखा, स्वीकार्यता दिखी। तो ये जो एक नैरेटिव है, ये जो कुछ बातें हैं, जो बिंदु हैं जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहे, उनकी स्वीकार्यता धरातल पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग लोगों से बात करने पे भी ये पाया गया कि लोगों में आज कांग्रेस पार्टी की जो वायदे हैं उन पे भी उनका पूरा ध्यान है, उनको याद है, और वो उम्मीद करते हैं कि शायद अगर ये सरकार बनती है तो हमें बहुत राहत मिलेगी। तो राहत का एक जो फिनोमिना है वो लोग ढूंढ रहे हैं अब नए इन चुनाव में, और जो उनकी प्रताड़ना हुई। जी, क्या ये एक होप हरियाणा के लोग देख रहे हैं राहुल गांधी में या कांग्रेस में या दोनों मिलाकर? बिल्कुल कहा जा सकता है कि हरियाणा के लोगों में अब ये कांग्रेस के प्रति जो एक विश्वास है, राहुल गांधी के प्रति जो एक विश्वास है, वो स्पष्ट तौर पे पूरे हरियाणा प्रदेश में देखा जा सकता है। पिछले 12-15 दिनों में लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने देखा जिस तरह से लोगों ने उनके प्रत्याशियों की जो सभाएं हैं, वो भले जनसभा हो, छोटी सभा हो, मैंने उनको भी देखा और बड़ी उनकी सभाओं को भी देखा, अलग से लोगों में, गांव में, पंचायतों में, खापों में बात करके देखा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हर जगह लोगों में कांग्रेस के प्रति एक विकल्प और एक एक सशक्त विकल्प की तरह लोग उसको, कांग्रेस को चाहते हैं,
लोगों का विश्वास है और तुलनात्मक रूप से भले ही वो 10 साल पहले का राज और उसमें ये कहा गया हो कि उस वक्त में जो नौकरियां जिस तरह से बांटी गई या करप्शन था, लेकिन तुलनात्मक रूप से लोग आज ये कहते हैं कि वो पहले वाला राज 10 साल पहले वाला राज अच्छा था और कांग्रेस का राज अच्छा था। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के मन में और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के मन में। किसानों के लिए उनकी फसलों के जो मुआवजे हैं उनके लिए, और आज राहुल ने कहा मंच से कि अब आपको 3 महीने 6 महीने इनकी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो आपके जितने भी मुआवजे हैं उनको तुरंत डिलीवर किया जाएगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। तो किसान वर्ग देखने में आता है, ग्रामीण वर्ग देखने में आता है, उन उनमें राहुल के प्रति एक स्वीकारिता बहुत सशक्त रूप में कही जा सकती है, आज वो सामने आ गई। और इस तरह की जो दोनों रैलियां हुई उनमें जिस तरह की भीड़ देखने में आई है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा में होने जा रहा है जिसमें कांग्रेस को एक बहुत अच्छी बढ़त मिलने वाली। जी विशाल जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, ये भीड़ थी तो इसमें कौन लोग थे, किन जाति किन समुदायों के लोग ज्यादा थे, क्या ये क्रॉस जाति धर्म के परे भीड़ थी, सारे समुदाय एक तरफ इकट्ठे हो रहे थे, जाट लैंड में रैली थी तो जाट जाट का आना ज्यादा बनता है, लेकिन क्या बाकी जैसे शैलजा थी तो क्या दलितों की भी उस तरह की हिस्सेदारी दिखी? अनम्यूट कर लीजिए। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुकेश जी, रैली आपने ठीक कहा कि रैली में भीड़ बहुत आई और जैसा कि रविंदर ने बताया, संधु साहब ने भी बताया, ये लोग वहाँ मौजूद थे, इन्होंने देखा, लेकिन रैलियों में भीड़ कितनी आती है और रैली सफल रही या असफल रही, इसका असली आकलन तो नतीजे आने के बाद ही लगाया जा सकता है कि भाई कहाँ लोग ज़्यादा आए थे और वो क्या वोटों में तब्दील हुए कि नहीं हुए। जैसा कि रविंदर ने भी पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हरियाणा में भीड़ नहीं आई, किसी जमाने में बहुत भीड़ आई, लोकसभा चुनाव में भी आई, विधानसभा चुनाव में भी आई, लेकिन भीड़ का आकलन करके और भीड़ के आकलन के साथ आपको एक तरह का आकलन और करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, जो चुनावी लड़ाई चल रही है हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, उसके कंटूर्स क्या हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स क्या हैं और उसके मायने क्या हैं। अब ये दो बड़े नेता हैं, दोनों ही अपनी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर किसी भी लोकतंत्र में देखें तो इनसे दो बड़े नेता किसी लोकतंत्र में नहीं होते, एक सत्ता पक्ष के नेता है, एक विपक्ष के नेता है।